हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी द्वारा लिखा गया है। निजी गवाही लेना जरूरी है, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 31 उसके 4 और 5 आयत में लिखा, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि याकूब ने जब अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों को लेकर अपने गांव वापस जाना चाहा, तो उसने अपनी दोनों पत्नियों राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाया। उसके लिए वहाँ से निकलना आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप एक विश्वासी हैं और अपने जीवन में सब कुछ वापस लेना चाहते हैं, तो आपके पास सबूत और गवाही होनी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है तो यह अविश्वासियों और दूसरे लोगों के लिए सबूत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा शारीरिक सबूत जो यह साबित करे कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। बाइबल कहती है कि याकूब का मामा उसको वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके मामा ने कहा कि जितनी काली भेड़े हैं उनमें से जितने धारी वाले बच्चे पैदा होंगे वह तेरा वेतन होगा। ऐसा होना असंभव था। उसने 10 बार उसका वेतन बदला, पर क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ था तो उसने दर्शन देखा कि धारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। तब उसका मामा कहता था कि जब धारी वाले बच्चे पैदा होंगे तो वह तेरा वेतन होगा, और याकूब ने देखा कि धारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। लिखा है कि उस तरह से याकूब के पास इतनी भेड़ बकरियां हो गईं कि वह उस देश में सबसे अमीर लोगों में एक बन गया। बाइबल कहती है कि जब उसके जाने का समय आया तो उसने अपनी पत्नियों को विश्वास दिलाया कि अपने पिता के घर को छोड़कर उसके साथ चले। उसके पास और कोई प्रमाणित सबूत नहीं था, और यह बहुत मुश्किल काम था कि जब तक वह उस सबूत को अपनी पत्नियों को न दिखाए। इसलिए वह अपनी पत्नियों को अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर लाया था कि समय आ चुका है कि हम अपने घर में वापस चलें। इसका मतलब अगर किसी विश्वासी के जीवन में सबूत की कमी है तो उसके अंदर ताकत की कमी होगी कि वह अपने परिवार, लोगों, अपने नगर और मोहल्ले को विश्वास दिला सके। इसलिए आपको घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है, पवित्रता का स्तर ऊंचा रखना है, लगातार बाइबल पढ़नी है ताकि परमेश्वर आपको सबूत दे सके और आपको आशीषित कर सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि मैं प्रार्थना, बाइबल पढ़ने, उपवास में बढ़ सकूं, ताकि मैं अपनी निजी गवाही को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।